पेलपा के तीन तरफ स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और केएमपी जैसी व्यवस्था डेवलप है, मगर क्योंकि आने वाले समय में पैनासोनिक जैसी अलग अलग बड़ी फैक्ट्रियां वहां लग रही है और रोड कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी ने उसको स्टडी किया है। लगभग पेलपा के बाहर हमें 7.5 एकड़ जमीन लेकर 1.56 किलोमीटर, उसके बाद सौंधी में 6.10 एकड़ जमीन एक्वायर कर 1.30 किलोमीटर, फतेहपुर के अंदर 3.16 एकड़ जमीन एक्वायर कर 0.63 किलोमीटर का बाईपास का आज के दिन हमने स्टडी फिजिबिलिटी दिखवाई, क्योंकि अभी भी आपका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड उस सड़क का 2020 के 12वें महीने तक पड़ा है। एट फार आज के दिन है, कोई प्रपोजल नहीं है, पर आने वाले समय में हम इंडस्ट्री से भी टाई अप करेंगे और जॉइंटली अगर इंडस्ट्री चाहेगी वो एरिया डेवलप करने का तो सरकार उस प्रपोजल को लेकर इन बाईपास को आने वाले भविष्य में बना सके। जहाँ आरओबी आरयूबी की बात है, हमारी सरकार का प्रयास है कि फाटक मुक्त हरियाणा हम बनाएं और उसके अंदर केंद्र सरकार की रेल मिनिस्ट्री के साथ हमारे विभाग का एक स्पेशल विभाग बनाकर HSRDC जिसके अंदर सिर्फ रेलवे संबंधित जो मामले हैं उनको डेवलप करने के लिए आरओबी आरयूबी हम प्रदेश को पूरे प्रदेश की मैपिंग कर कंप्लीट कराने का काम करें।